गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों पर। नेहरचौक में कोरोना से 30 वर्षीय युवक की मौत। नन्हे मेहमानों से गुलजार हुआ गोपालपुर चिड़ियाघर। अन्नदाता को मिले उनका हक, केंद्र सरकार पर बरसे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता। पंचरुखी में आवारा पशुओं का आतंक, प्रशासन बना मूक दर्शक। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते नेहरचौक मेडिकल कॉलेज में एक 30 वर्षीय युवक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 30 वर्षीय युवक मंडी जिला के बल उपमंडल क्षेत्र का रहने वाला था। युवक को 29 तारीख को उपचार के लिए यहां भर्ती करवाया गया था और गुरुवार को सुबह 8 बजे के करीब युवक का निधन हो गया। दूसरी मौत बिलासपुर जिला के घुमारवीं तहसील क्षेत्र की 70 वर्षीय महिला की हुई है। इन्हें 1 तारीख को यहां लाया गया था और सुबह 9:15 बजे के करीब इनकी मौत हो गई। जबकि बुधवार की रात को भी यहां बिलासपुर जिला के घुमारवीं तहसील क्षेत्र की 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला की भी मौत हुई है। नेहरचौक मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर जीवाराम चौहान ने खबर की पुष्टि की है। 8 माह के लंबे अंतराल के बाद गोपालपुर चिड़ियाघर खुलते ही नए मेहमानों का आगमन हुआ है। वेटनरी डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि 22 नवंबर को शेरनी अकीरा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर माह में ही गुजरात से शेर हेमिल व शेरनी अकीरा के जोड़े को गोपालपुर चिड़ियाघर लाया गया था। 24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। बीओ सुमिंदर अतिरिक्त कार्यभार आरओ ने बताया कि 16 नवंबर से खुले चिड़ियाघर में कोरोना वायरस के प्रति सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बिना मास्क पर्यटकों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है तथा दिन में 2 बार चिड़ियाघर को सैनिटाइज किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी बिल को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व अन्य कई प्रदेशों के किसान दिल्ली की सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में हो रहे किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन के समर्थन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश शर्मा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है और आज भारत कृषि प्रधान देश का अन्नदाता व भाग्य विधाता कड़ाके की सर्दी में जो बिल केंद्र द्वारा पारित किया गया है उसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और उस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व ठंडे पानी की बौछारें की जा रही है, जिसकी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है और केंद्र सरकार को चेतावनी देती है कि अति शीघ्र कृषि कानून को वापस लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जी, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। आज भारतवर्ष का अन्नदाता भाग्य विधाता जो है वो सड़कों पर धक्के खा रहा है। जिस देश में 70-80 के दशक में हरित क्रांति हुई, फिर श्वेत क्रांति हुई और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि भारतवर्ष का किसान जो है वो सड़कों पे भरी सर्दी में जो है घूम रहा है और केवल किसानों की यही डिमांड है कि उनको MSP लागू की जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो लागू किया जाए। आज हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो इवेंट बना रहे हैं, पूर्णमासी का इवेंट बना रहे हैं, देव दीपावली मना रहे हैं, लेकिन जो भारतवर्ष के भाग्य विधाता हैं वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, ये स्थिति बनी है। आज भारतवर्ष के गृह मंत्री जो हैं वो नगर निगम जैसे इलेक्शन के लिए हैदराबाद में घर घर जाकर जो है नुक्कड़ों पे जाके सभाएं कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर के ऊपर चारों तरफ से जो जुटे हुए किसान हैं उनकी मदद के लिए वो तैयार नहीं है, जो स्थिति बेहद दुखद है, संदेहास्पद है। आज कांग्रेस पर पंचरुखी में आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं, जबकि सरकारी तंत्र इस पर कोई भी नीति बनाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। उनकी नीति कागजों और भाषणों तक ही सीमित होकर रह गई है, जबकि प्रतिदिन बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या जहां किसानों के फसलें उजाड़ रही है, वहीं सड़कों पर विचरते पशु दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, तो वहीं राहगीरों व किसानों पर भी हमला कर रहे हैं। प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी वह केवल मूक दर्शक ही बना हुआ है। गत दिन आवारा बैल के हमले से दियोंगरा के बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक को घायल कर दिया गया था।